ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हमने वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए वेव फंक्शन तक पहुँचना है। वेव इक्वेशन हमारे पास हो तो हम वेव फंक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ करते हुए चल रहे हैं। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें, आयोटा एच कट पार्शल ओवर पार्शल टी साई एक्स टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू एम पार्शल टू ओवर पार्शल एक्स कट साई एक्स टी प्लस यू साई एक्स टी। मैं एक्स टी बार बार नहीं बोलूँगा। एक्स टी यहाँ इंडिकेट क्या करता है? फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम। तो सपोज क्योंकि साई फंक्शन है किसका? पोजिशन का भी और टाइम का भी। इसको मैं एक वेव फंक्शन को दो वेव फंक्शन में स्प्लिट कर देता हूँ। साई एक्स टी दरअसल क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ पोजिशन। तो मैं एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम और फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। एफ और फाई ये दो मजीद वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देता हूँ साई का। तो इसका मतलब इक्वेशन वन में मैं साई की जगह क्या पुट करूँगा? एफ टी इंटू फाई एक्स। तो ये दो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे मैंने क्या काम किया? एफ टी फाई एक्स रिप्लेस कर दिया किससे? साई एक्स टी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या काम किया? अगर आप गौर करें लेफ्ट साइड जो है वो क्यों सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रही है किसको? टाइम डिपेंडेंट पार्ट को। तो इसका मतलब फाई एक्स को मैं पार्शल से पहले लिख सकता हूँ। तो मैंने ये काम किया लेफ्ट साइड पे। इस तरह राइट साइड पे अगर आप देखें, राइट साइड जो है वो डिफरेंशियल है किसके ऊपर? पोजीशन के ऊपर। पोजीशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं राइट साइड पे। या ऑपरेटर जो है वो किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? पोजीशन पे। तो इसका मतलब जो टाइम का पार्ट है फंक्शन, जो टाइम फंक्शन वेव फंक्शन जो है, टाइम डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन है उसको मैं क्या करूँगा? पार्शल या डिफरेंशिएशन से पहले लिख लूँगा। तो एफ टी को मैंने राइट की दोनों टर्म्स में स्टार्ट में लिख दिया ऑपरेटर से। अब दोनों साइड्स को मैं अगर डिवाइड कर दूँ एफ टी और फाइव एक्स से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? दोनों साइड को पहले का इस इक्वेशन को आप देख लें अच्छी तरह। एफ टी फाइव एक्स से मैंने ओवरऑल पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड पर फाइव एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड पर एफ टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग टर्म्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। लेफ्ट पे हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आ गई? आयोटा एच कट ओवर एफ टी पार्शल एफ टी ओवर पार्शल टी। एफ टी से मुराद एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यहाँ एफ मल्टीप्लाई टी से नहीं हो रहा, ये ख्याल रखना। राइट साइड पे क्या रहेगा? माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू एम वन ओवर फाइव एक्स पार्शल टू ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस वन ओवर फाइव एक्स यू फाइव। इसको मैंने क्वेश्चन थ्री का नाम दे दिया। जो लेफ्ट साइड है क्वेश्चन थ्री के, वो सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे? टाइम पे। और राइट साइड डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? पोजीशन पे। अगर आप गौर करें राइट साइड पे जितने भी टर्म्स हैं वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट हैं, और लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं वो सिर्फ टाइम डिपेंडेंट हैं। अब इन दोनों टर्म्स को सेपरेट लेके चल सकते हैं। अब लेफ्ट साइड ये लें या राइट साइड लें, उसका रिजल्ट एक कॉन्स्टेंट के इक्वल आएगा। और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पता है वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल था। एक अगर आपने प्रॉब्लम लास्ट खुद किया था तो आपको पता होगा वो कॉन्स्टेंट एनर्जी के इक्वल होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों टर्म्स एनर्जी के इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड जो है उसको मैं अगर लिखूँ आयोटा एच कट वन आवर एफ टी डी आवर डी टी एफ टी इक्वल टू ई, या टाइम पार्ट श्रोडिंगर इक्वेशन का। और सिमिलरली जो राइट साइड है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू एम वन आवर फाइव एक्स डी टू आवर डी एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस वन आवर फाइव एक्स यू एक्स फाइव एक्स इक्वल टू ई। इसको मैंने इक्वेशन फाइव का नाम दे दिया, या पोजिशन पार्ट है किसका? श्रोडिंगर इक्वेशन का। जी, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कंटिन्यू। इसमें इक्वेशन फोर को पहले यूज़ करते हैं। इक्वेशन फोर है आयोटा एच कट वन ओवर एफ टी डी ओवर डी टी एफ टी इक्वल टू। इसको यूज सोल्व करते हैं पहले, क्या फाइंड करने के लिए? फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा एच कट वन ओवर एफ टी डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ई। तो यहाँ से डी टी को अगर मैं राइट पे उठा के ले जाऊँ तो लेफ्ट पे क्या रह जाएगा? आयोटा एच कट डी एफ ओवर एफ इक्वल टू ई डी टी। या आयोटा एच कट को भी अगर मैं राइट पे ले जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा ओवर एच कट वन ओवर आयोटा को मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो डी एफ ओवर एफ इक्वल टू माइनस वन ओवर एच कट ई डी टी। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों साइड्स को एफ तक पहुँचने के लिए। तो इंटीग्रेट करें अगर दोनों साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जो है वन ओवर एफ टी का इंटीग्रल क्या होगा? लॉग ऑफ एफ। और राइट साइड पे माइनस आयोटा ओवर एच कट ई। ये पूरी टर्म तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी क्योंकि कॉन्स्टेंट है। सिर्फ इंटीग्रल ऑफ डी टी किसके इक्वल है? टी के इक्वल। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया लॉग ऑफ एफ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आयोटा ओवर एच कट ई टी प्लस लॉग ऑफ सी। कॉन्स्टेंट के लिए मैं यहाँ लॉग ऑफ सी यूज करूँ। लॉग ऑफ सी को उठाकर लेफ्ट पे ले जाए माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ एफ टी माइनस लॉग ऑफ सी इक्वल टू माइनस वन आयोटा ओवर एच कट ई टी। तो यहाँ से लॉग ऑफ एफ टी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ की, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए ओवर बी। तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एफ
डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू माइनस अल्टा ओवर एच कट ई टी। तो एंटी लॉग अगर ले लूँ दोनों साइड पे तो एफ टी ओवर सी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्टा ओवर एच कट ई टी। तो एफ टी क्या होगा, सी को राइट पे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, सी इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्टा ओवर एच कट ई टी। और ई किसके इक्वल था, एच कट ओमेगा के, ई को रिप्लेस कर दिया एच कट ओमेगा से जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास फंक्शन आ गया सी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एल्टा ओमेगा टी। अब नेक्स्ट स्टेप हम इक्वेशन 5 यूज़ करते हैं। इक्वेशन 5 क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 एम 1 ओवर 5x डी 2 ओवर डी एक्स स्क्वायर 5x इक्वल टू 1 ओवर 5x यू एक्स 5x इक्वल टू ई। अब इस इक्वेशन में 5x जो डिवाइड है उसको सबसे पहले राइट पे ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी 2 ओवर डी एक्स स्क्वायर 5 प्लस यू 5 इक्वल टू ई 5। फंक्शन ऑफ एक्स बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे। अब लेफ्ट साइड पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल टर्म को भी उठा के राइट पे ले जाएं, माइनस हो जाएगी और इन दोनों में फाइव कॉमन आ जाएगा। तो लेफ्ट पे सिर्फ क्या रहेगा, माइनस एच कर स्क्वायर ओवर टू एम डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइव एक्स इक्वल टू ई माइनस यू फाइव। अब लेफ्ट पे माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इसको अगर मैं राइट पे ले जाएं तो क्या होगा, जो टर्म डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई होने वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी। तो राइट पे क्या आ गया, माइनस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस यू फाइव। इक्वेशन नंबर 7 है। अब ई क्या होती है दरअसल, टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस यू। यू को मैं राइट पे लेफ्ट पे ले जाऊंगा, ई माइनस यू पी स्क्वायर ओवर 2m के इक्वल है। और पी क्या है, एच कट के है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। तो इसका मतलब ई माइनस यू को मैं एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m से रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 7 में। तो इक्वेशन 7 में ई माइनस यू की जगह एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ड्यू टू 5 ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस यू की जगह एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m 5x। अब देखें इसमें क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एच कट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2m कैंसिल हो गया, सिर्फ के स्क्वायर बच गया। तो राइट पे हमारे पास माइनस के स्क्वायर 5 रहेगी। अब राइट वाली टर्म को दोबारा लेफ्ट पर उठा के ले जाएं, प्लस हो जाएगी डी टू फाइव ओवर डी एक्स स्क्र प्लस के स्क्र फाइव इक्वल टू जीरो। अब यह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपको पढ़ो तो हम इसको यूज़ करते हुए डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आपको एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट्स यूज़ करूँगा तो ये दरअसल इसको मैं फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेगी, इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म डी टू प्लस के स्क्वायर इज फाइव इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, या तो फाइव जीरो है या फिर डी टू स्क्र डी स्क्र प्लस के स्क्र जीरो है। फाइव तो जीरो नहीं हो सकता, फंक्शन तो जीरो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ डी टू डी स्क्र प्लस के स्क्र, और डी टू मैं बोल रहा हूँ डी स्क्र को, डी स्क्र प्लस के स्क्र जीरो। इसका मतलब डी स्क्र क्या है, माइनस के स्क्र के इक्वल, या डी प्लस माइनस एटा के। इसका मतलब फाइव क्या हो गया, फाइव हो गया एफ ई पावर एटा के एक्स प्लस जी ई पावर माइनस एटा के एक्स एफ और जी यानी टू कॉन्स्टेंट्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, दैट्स मीन्स साहब मैं एफ और फाइव की वैल्यूज पुट कर दें, एफ और फाइव हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सी एक्सपोनेंशियल माइनस एटा ओमेगा टी एफ ई पावर एटा के एक्स प्लस जी ई पावर माइनस एटा के एक्स। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पावर जेड हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें से एटा कॉमन निकाल लिया, सेकेंड टर्म में से माइनस एटा। अब यहाँ ए और बी से कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, सी और एफ जो है ये दो कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट है, एक अनदर कॉन्स्टेंट मिलेगा उसको मैंने ए का नाम दे दिया। इस तरह सी और जी का जो प्रोडक्ट है ये भी एक अनदर कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बी का नाम दे दिया। तो हमारे पास वेब फंक्शन आ गया ए ई पावर एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी ई पावर माइनस एटा के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये रिक्वायर्ड वेब फंक्शन है और यह दरअसल क्या है, हमने सोल्व कर लिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।